परमिशन है आपको अपने कमेंट्स अपने व्यूज जो डिस्कशन करना है आप कर सकते हो और हम लोगों के काफी हेल्दी डिस्कशन रहते हैं टेलीग्राम पे वी डू नॉट प्रोवाइड एनी कॉल सबसे पहला रूल और कोई भी कॉल्स टाइप की चीज कुछ हमारे उस पे मत स्पैम करना अदरवाइज डायरेक्ट बैन है ठीक है फिर आप वापस भी नहीं आ पाओगे तो फालतू तो में ये सब चीजें मत ही करना तो स्टार्ट करते हैं वीडियो अपना जिनको भी इंटरेस्टेड जानने में एजुकेशन लर्न करने में ठीक है तो लिंक इसके अंदर डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो तुरंत टेलीग्राम को अभी फॉलो करो तो अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं अब तो सबसे पहले कुछ टारगेट्स की बात कर लेते हैं फिर निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में भी बात करेंगे और फिर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करेंगे जो बहुत लोगों का डाउट है आज तो फर्स्ट थिंग इज की बी एक साइडवेज मोमेंटम में था और हर बार इस लेवल से आके एक अच्छा डिमांड उसे मिल रहा था डिमांड छोड़ो वो एक अच्छी यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न मिल रहा था कभी मॉर्निंग स्टार पैटर्न मिलता था तो कभी एनगल्फिंग पैटर्न तो कभी बी पैटर्न मिलता था इस बार बियर ट्रैप मिला और फिर से टारगेट नंबर टू हिट हो चुका है हमारा तो भाई जिन्होंने टारगेट नंबर टू हिट कर लिया कॉन्ग्रेचुलेन बुक योर ट्रेड टारगेट टू एंड बुक योर ट्रेड

ठीक है तो यहाँ पे हम लोगों ने एनालिसिस करा था इसका ट्वेंटी फाइव फेब को हिंदी और इंग्लिश दोनों में करा था मैंने और यूट्यूब और ट्रेडिंग भी दोनों पे वीडियोस डाले थे जो कि मैं डेली डालता हूँ टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में जिसको जिस पे आपको डेली ये सब कंटेंट मिलता रहेगा अगर आप इंटरेस्टेड हो डेफिनेटली आ, तो आगे बढ़ते हैं तो इसका टारगेट भी हमारा पूरा हो गया सेकेंड पहला टारगेट कल ही हो गया था और अब जो है हमारा फोर्टीन टू फिफ्टीन का टारगेट भी पूरा हो गया है ठीक है अब बात करते हैं यार कुछ बहुत ही अमेजिंग स्टॉक्स की जिसमें मैं भी बैठा हूँ साथ में तो पलाश सिक्योरिटीज़ यहाँ पर एंट्री थी मेरी इन लेवल्स पर एंट्री करी है मैंने पलास्ट

वन रिजेक्शन टू रिजेक्शन थ्री रिजेक्शन और ब्रेकआउट मिल चुका है प्रायोरिटी ग्रुप मेंबर जो कि पेड मेंबर्स हैं इंग्लिश वाले कोर्स के लिए उन लोगों को मैंने पहले ही अलर्ट दे दिया था इसके बारे में कि गोदावरी पावर पे आई रखो एट दिस एरिया उसके बाद ये फॉल हुआ तो मुझे एक और नोट मिल गया आई वॉज हैप्पी कि अब एक नोट मिल गया अब मुझे एक लेवल पता है कि थ्री के ऊपर एक क्लोजिंग चाहिए स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग और हम जो है एंटर कर जाएंगे ब्रेकआउट जोन में आज इतना पावर था स्टॉक में कि एक दो बार सर्किट खुला भी बीच में और वो जो है इतनी

उट्स बहुत सारे डाउट्स के तो पहले कोल इंडिया की बात करते हैं सो है। तो वीकली टाइम फ्रेम्स so, में आपको दिखेगा की स्टॉक किस तरीके से बिहेव कर रहा है तो यहाँ पे एक अमेजिंग ट्रेंड लाइन है ठीक है वीकली टाइम फ्रेम्स पे एक अमेजिंग ट्रेंड लाइन है स्टॉक बार बार सपोर्ट यहाँ से लेता है एंड एक हायर हाई बनाता है ठीक है हायर हाई बना दिया फिर सपोर्ट लिया यहाँ से तो जैसे ही ये पैटर्न यहाँ कंप्लीट हुआ था और इस पैटर्न को देखो यहाँ रेप्लीकेट हुआ है राइट right? इस पैटर्न को देखो यहाँ रेप्लीकेट हुआ है तो रेप्लिका वन रेप्लिका टू और रेप्लिका थ्री तो यार याद होगा तो तुम लोगों को थ्री लोग 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 जैन के अराउंड मैंने तुम लोगों को ये स्टॉक को एनालाइज करके दिया था वही एंट्री थी लास्ट टाइम अब यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे तो एक लोअर विक रिजेक्शन हायर कंफ्यूजन कैंडल डोजी भी बोल सकते हो फ्लाइंग do, डोजी बोल सकते हो वट एवर इट तो वो यहाँ पे क्रिएशन हुआ है दिस इज व्हाट आई कॉल ना कि एक डोजी डोजी इज कंफ्यूजन कैंड कंफ्यूजन होता है ठीक so, है ठीक है तो फर्स्ट एंट्रीज हम यहाँ करेंगे सेकेंड एंट्रीज हम यहाँ करेंगे वीकली टाइम फ्रेम्स के हिसाब से और सारे वीकली लेवल ब्रेक हो चुके हैं एंड कॉल इंडिया इज मूविंग लाइक एनी ठीक है like anything, मैंने क्या बताया था कि अगर वो ब्रेक करता है इन लेवल्स को वीकली टाइम फ्रेम्स पे तो अचीव कर लिया जाएगा so, की अब मैं ऑलरेडी कोल इंडिया में बहुत नीचे सेन हंड्रेड एंड थर्टी लेवल्स और वहां से मैं अपना एवरेज करता जाता हूँ यहाँ मैंने ब्रेकआउट पे ले रखी है ट्रेड ऑलरेडी पी एन एल वगैरह पूरे साल का मैं शो कर चुका हूँ तो प्लीज मुझसे मत कहना प्लीज दिखाओ ये वो सब शो कर चुका हूँ ऑलरेडी सब पड़ा हुआ है टेलीग्राम पे अगर आप लोग फॉलो नहीं करते हो सो so, आप लोगों को नहीं मिला होगा और अब सीजन नेक्स्ट ईयर में दिखाऊंगा सारा पी अपना ठीक है दैट विल बी फेब्रवरी मार्च के राउंड में अब पूरा जो है एक साल का पी एन वगैरह सब दिखाया जाएगा अगले साल तो अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीजों की और जो है कि यहाँ पे एक वीकली गैप था वीकली गैप्स बहुत बुरे होते हैं मतलब मंडे को मार्केट जब खुली तो कुछ ओवरनाइट इतना बुरा हुआ कि वो गैप डाउन हो गया वो वीकली गैप रेजिस्टेंस एक आ रहा था उसका ब्रेकआउट मिल गया तो फाइनली स्टॉक ने एक और मोमेंटम ऊपर के लिए चालू कर दिया आई थिंक अ हायर हाई बनेगा बट अगर ये स्टॉक फिर से आपको इन लेवल्स लेवल मिलता है स्टॉक इट्स अ वेरी गुड स्टॉक इंडिया

और दो तीन बार मैंने पहले भी स्टॉक को एनालाइज करके रखा है सो कोल इंडिया इज वन ऑफ दो स्टॉक्स जिसको डिप्स में बाय करना था और अगर आपने आज बाय कराया तो इट्स अ मिस्टेक एंड एक्सेप्ट दैट मिस्टेक तो क्या कर सकते हैं एस एल इसके नीचे रखो और टारगेट ये रखो यहाँ पे एग्जिट करेंगे या तो यहाँ पे एग्जिट कर देंगे अदरवाइज स्टॉक को फिफ्टी परसेंट रिट्रेस करने दो ठीक है एंड द फिफ्टी परसेंट रिट्रेसमेंट फ्रॉम द बॉटम विल बी समथिंग लाइक दिस अब मैं आपको दिखाता हूँ कि फिफ्टी परसेंट रिट्रेसमेंट जो है कोल इंडिया में किस तरीके से हो सकता है जीरो पॉइंट फाइव आपका ये है जीरो पॉइंट सिक्स आपका ये है। तो अगर ये फॉल करता है पे पे इन लेवल्स पे और के लेवल्स पे और एक अच्छा अमेजिंग पैटर्न यहाँ पे बनाता है और तो वो लेवल्स आपको जो है ग्रैप करने पड़ेंगे इन कोल इंडिया इन ऑर्डर टू टेक द ट्रेड ठीक है क्योंकि ये इस पूरे का आई यू गाइस कि ये जो ट्रेंड लाइन यहाँ क्रिएट हो रही है ठीक है इस ट्रेंड लाइन को भी फोकस में रखना एंड डेफिनेटली इस सप्लाई डिमांड कन्वर्जन जोन को फोकस रखना जो की एक जीरो पॉइंट फाइव फिब है जो की एक सप्लाई जोन का वीशिप रिकवरी के साथ ब्रेकआउट हुआ है और उस पर डिमांड ली जा सकती है तो यह सब चीजें कुछ है इंपॉर्टेंट चीज है रिप्लेसमेंट में स्टॉक को लेना

salute to you and you are playing the right price action strategies and congratulations that you are on a good profit if you were at this area making your entries and booking at this area see

तुम लोग बस ऊपर स्ट्रेच करते रह जाओगे और टाइम निकल जाएगा लो so, okay? निकलता है निकलने तो कोई बात नहीं और भी बहुत स्टॉक है ठीक है बट इट्स अ लो प्रोबेबिलिटी हमेशा हाई प्रोबेबिलिटी के साथ जाओ क्या होती है हाई प्रोबेबिलिटी नीचे से ऊपर एक फिब बनाओ अगर ये 0.3, 0.5, 0.6 इन तीनों से बेस्ट होगा 0.3 और 0.5 ये लेवल्स मैं आपको दे देता हूँ

कुछ लोग कहेंगे शॉर्ट ट्रेड क्रिएट कर दे नहीं इट्स अ वर्टिकल शेप रिकवरी शॉर्ट रेट क्यों क्रिएट करने हैं आपको कन्फर्मेशन चाहिए इट्स नॉट Uh, हर बार ट्रेंड एंड स्ट्रक्चर्स पे नहीं जा सकते आप इट्स इट्स अ अ वी शेप रिकवरी बुलिश स्टॉक तो बाय करना है बट सही टाइम पे बाय करना है मान लो आपने बाय भी करा और ये एसएल रखा था तो एसएल हिट हो गया बट एसएल हिट करने के बाद कहो थोड़े दिन और नीचे गया फिर एक ब्रेकआउट दे दिया ऊपर जाके फिर क्या होगा तो एक परफेक्ट एंट्री की बात कर रहे हैं यहाँ पे ना कि व्यू रिजेक्ट कर रहे हैं कि बुलिश है कि नहीं स्टॉक स्टॉक बहुत बुलिश है मेटल सेक्टर इज वेरी बुलिस की बना मेटल सेक्टर थैंक यू सो मच ये सारे स्टॉक्स को देखने के लिए और समझने के लिए प्राइज एक्शन मेरे साथ निफ्टी की बात कर लेते हैं तो डेली टाइम फ्रेम पे देखे तो एक इनसाइडर बार बना दी है निफ्टी की जो कि सबकी फेवरेट होती है वैसे अगर नहीं पता आपको इनसाइडर बार के बारे में क्या है तो डेफिनेटली टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में पूछो जानो क्या होता है सीखो मार्केट एनालिसिस के बारे में और कन्फ्यूजन कैंडल बनी हुई है साथ में कैसे प्ले करेंगे इस कंफ्यूजन कैंडल को जो कि अंदर बनी एंड कैसे बड़े टारगेट्स ले सकते हैं वो ये ओपन होता है यहाँ पे आपके पास पेंडोरा बॉक्स सो अगर सिक्सटीन का ब्रेकआउट ऑन द अपर साइड होता है सो पहला टारगेट होगा आपका ये ठीक है इसके ऊपर एक ब्रेकआउट मिलता है तो पहला टारगेट होगा आपका ये एंड इस पे कंसोलिडेशन देखिए ब्रेकआउट होता है तो वो क्या होगा वो होगा आपका मदर बार का ब्रेकआउट डेली टाइम फ्रेम पर अगर इस पे क्लोज हो जाता है तो हो कीप ऑन होल्डिंग द ट्रेड क्योंकि मिल सकते हैं आपको अच्छे खाल से समझ गए अगर इसके नीचे ब्रेकडाउन होता है टेक अ शॉर्ट ट्रेड ठीक है इस पे कंसोलिडेट मारता है आके टारगेट नंबर वन हिट करता है एग्जिट कर सकते हैं कंप्लीटली आपके ऊपर है दो लॉट लिए एक लॉट एग्जिट कर दो चार लॉट लिए दो लॉट एग्जिट कर दो या फिर अगर एक लॉट लिया एक लॉट एग्जिट कर सकते हो या तो अगर यू कैन कीप ऑलो अगर ये ये देखो प्रॉफिट में आ गए हो तो कम, आपके पास है सब कुछ ठीक है डू नॉट आस्क एनी सब गेम आपके पास है इफ यूर ऑन प्रॉफिट इट्स कम्प्लीटली योर साइकोलॉजी जो आप प्ले करने वाले हो तो अब यहाँ से अगर एक ब्रेकडाउन मिलता है ठीक है और तो ये मदर कैंडल का नीचे के लिए ब्रेकडाउन होगा मतलब हरामी पैटर्न ऑलरेडी नीचे जा रहे थे हम लोग एंड हरामी पैटर्न की एक मदर बार बनती है हरामी पैटर्न रिवर्सल और कंटिन्यूएशन पैटर्न तो अगर ऊपर जाती है तो दैट मीन्स की मार्केट यहाँ से ऑलरेडी हमारी

बुलशेट कॉल्स uh, नहीं देता और ना इन इन सबको वो अप्रूव करता हूँ okay, so तो हाँ, तो, तो मतलब साइडवेज का एक फॉर्मेशन हो सकता है ना आगे क्या पता कल भी ये इसी रेंज में रह जाए ऐसे ठीक है तो ये ऑप्शन सेलर के लिए बहुत अच्छा गेम हो गया बट अगर ब्रेकआउट मान लो दे देता है ये अगर ये ब्रेकआउट नहीं देता अगर फॉल करने लगता है और कंसोलिडेट मारता है ऑप्शन सेलर्स प्ले द गेम प्ले द गेम राइट इन टू ठीक है प्ले कर सकते हो ऑप्शन सेलर की इस रेंज में जो है बैंक निफ्टी निफ्टी की दोनों रेंज मैंने दे दी उसमें प्ले कर सकते हो अगर यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है ऑप्शन सेलर आउट ऑफ द मार्केट बिकॉज अब एक मार्केट जो है वोलेटाइल स्लेश ट्रेंड ही हो सकती है तो बात ही कह लो ऑप्शन क्या पता जीरो ना हो एक्सपायरी के एंड पे आपका ठीक है और वो कहीं पे एक बड़ी डिजिट में रह सकता है तो ब्रेकआउट होता है तो आपका फर्स्ट टारगेट ऊपर यह रहता है और ब्रेक डाउन होता है तो टारगेट डिस्कस करेंगे टेलीग्राम पे थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो आई होप आपको ये एजुकेशनल कंटेंट पसंद आया हो शेयर द वीडियो विद दोस्त जिनको एक्चुअली में मार्केट में सीखना है बहुत लोग आज टाटा स्टील कोल इंडिया आज लेके बैठे हैं जबकि मैंने बहुत पहले से लोगों को एनालिसिस दे दिया था लोग बोलते हैं व्यू बताओ अपना बार बार जबकि मैं सौ बार अपना व्यू दे चुका हूँ एंड स्टिल दे कीप ऑन आस्किंग मी व्यू क्या है सो थैंक यू सो मच